हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू द इडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है फ्रॉम ऑल दीज थ्री पेपर्स, एंड द लिंक ऑफ द पेपर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन सॉल्व इट द रिमेनिंग क्वेश्चन बाई योर सेल्फ। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें दिया गया है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वल्स टू वन एंड एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन। तो वी कॉल्ड इट एज असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम लोग केवल एक इक्वल टू का यूज़ करते हैं, एंड दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आप सर्च करो व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर, तो आप लोगों को ये मिलेगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो ये सारे ऑपरेटर हमारे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। So you can say that n is equals to 1 is an assignment operator where 1 is assigning to n, and n equals to 1, the equals to 1 operator is called it as a relational operator, and it is used to compare the values, means our n value whether it is equals to 1 or not. Now the second question is, write the equivalent C++ expression for the following algebraic expression. मतलब हम लोगों को इसको सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में लिखना है व्हाट वेयर द एक्सप्रेशन इज गिवन हियर। सो आई हैव अ सी प्लस प्लस कंपाइलर एंड द थिंग विच आई एम राइटिंग हियर द सेम थिंग यू नीड टू राइट इन योर एग्जाम। सो आई हैव अ एक्सप्रेशन दैट इज 2 इंटू ए इंटू बी, सो हाउ कैन आई राइट? सो व्हाट यू नीड टू राइट, यू नीड टू राइट दिस वन, यू जस्ट नीड टू राइट इन सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन। आपको इतना लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये आप लोगों को इतना लिखना है। देन वी हैव अ डिवाइडेड सिंबल, देन वी हैव अ डिवाइडेड सिंबल, देन 2 इंटू ए। अब आप इसको एक ब्रैकेट में पूरा कर दो, बिकॉज in C++ or in computer language first it will be evaluated, then the complete answer will be divided with 2 into A. You just need to write this one. मतलब आप लोगों को यहाँ पे multiply का और use करना है। Then 3 minus 3.14 r square, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3.14 into r square। अब आपको नहीं पता कि आर स्क्वायर कैसे लिखते हैं, सो यू कैन राइट हेयर पावर इन सी प्लस प्लस। तो ये आप लोगों को पावर फंक्शन देगा। देखते हैं कि पावर फंक्शन क्या होता है। तो सिंपली हमारे पास ये है पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की पावर वाई। और मैं आपको और एग्जांपल दूं, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 2। तो सिंपली आप यहाँ पे मैथ डॉट एच का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पी ओ डब्ल्यू पावर पावर ऑफ आर कॉमा 2। आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पावर के अंदर क्या रहता है, द फर्स्ट वैल्यू, मतलब जो हमारी मेन वैल्यू है दैट इज़ आर, एंड यहाँ पे हम लोग पावर लिखते हैं कि 2 कितने पावर जाएगा, मतलब आर स्क्वायर आर क्यूब, तो वो वैल्यू यहाँ पे रहेगी 2, 3, 4 वॉट एवर यू कैन राइट है। तो आप यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो डन, आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन एक्सप्रेशन राइट द गिवन कोड यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। सो मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर बता देता हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर इज कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन मार्क एंड द टू डॉट, ये आपको इतना याद रखना है कि ये इन दोनों कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन सही है तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, अगर ये एक्सप्रेशन गलत है तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब इफ दिस वैल्यू इज टू then this will be printed, else it will be printed. Example, अगर बार की वैल्यू बैस से बड़ी है तो बार प्रिंट होगा, अदरवाइज बैस प्रिंट होगा। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ एक बार।
और यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, अपने पेपर पे चलते हैं कि x अगर 2 से डिवाइडेड है तो इवन प्रिंट करो, अदरवाइज ऑड प्रिंट करो। तो मैं इसको हटाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग 2 से डिविजिबल है, देन प्रिंट इवन प्लस प्रिंट ऑड। तो ये हो गया x। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे दूंगा, x इज इक्वल टू मान लीजिए 10। तो इस कोड को मैं अगर रन करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट एस। देखो क्या है, 10 क्या है, इवन नंबर है तो इवन होगा। मैं अगर 11 लिख दूँ तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये हमारा ऑड प्रिंट कर रहा है, देख लो आप, ये ऑड है। तो आप इसको, इतना कोड आपको लिखना है केवल। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। राइट अ नंबर टू एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्वैप नंबर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। मतलब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की वैल्यू मान लो 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो हम लोगों को आउटपुट में क्या चाहिए, हम लोग को आउटपुट में क्या चाहिए, हम लोग को आउटपुट में चाहिए ए की वैल्यू 2 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए, हम लोगों को ये चाहिए। अभी हम लोग करेंगे कैसे, और इसमें हम लोगों का कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, वैल्यू कितनी आएगी 7। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या है, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू 7 हो गई एंड बी की वैल्यू है 2, देन इट विल बी एज 5। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए 2। सो देन इट विल बी ए माइनस बी, दैट विल बी 2। पहले हमने किया ए प्लस बी, देन इट विल बिकम 7, देन वी हैव डन ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास 7 आ गई है, बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारी बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब ए के पास 7 है, बी के पास 2 है, रिमेनिंग कितना होगा, ए के पास 7 है, बी के पास 5 है, तो रिमेनिंग वैल्यू इज 2 एंड दैट वैल्यू वी हैव असाइन टू ए। अब आप देखो तो ए के पास 2 है एंड बी के पास 5 है। द सेम थिंग वी विल इम्प्लीमेंट हेयर। हम लोग इंट लेंगे यहाँ पे, इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, हमें एक सी, हमें थर्ड वेरिएबल तो लेना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सेम चीज़ों को लेंगे। मैं यहाँ पे उसको कर दूंगा, ये हो गया देन ये हो गया। अब आप सी आउट करो, ए देन बी। इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू, अगर आप इसको 55 कर दो, इसको 34 कर दो, तो क्या आएगा, ए की वैल्यू हो गई 32 एंड बी की वैल्यू हो गई 55। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। आप एक बार फिर से देख लो, हमारी वैल्यू सेफ हो चुकी है। तो आप लोग इतना लॉजिक याद रखना है, ए प्लस बी देन वी हैव ए माइनस बी देन ए माइनस बी। थर्ड प्रोग्राम क्या आता है, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम एज्यूम दैट द ऑल द हेडर्स आर इंक्लूडेड। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे जाके इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगा। और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। मेरे को तो आउटपुट पता है क्या आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आउटपुट क्या इसका आएगा। तो इसमें बहुत सारे एरर्स भी दिए गए हैं। तो int x y प्लस प्लस x दिया गया हुआ है, x प्लस प्लस दिया गया, int l दिया हुआ है, y माइनस माइनस है, माइनस माइनस y है। तो प्लस प्लस किया देन वी हैव अ माइनस माइनस देन वी हैव अ माइनस माइनस। तो एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट करने में वो सही से नहीं ले रहा है,
तो 8 8 एंड 3 1, अभी आया कैसे है? देखो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे समझ लो। मान लो कि हमारे पास एक्स ए की वैल्यू 10 है। जब मैं ए प्लस प्लस करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 11। इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब बाद में। इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले। इसकी वैल्यू होगी 11। और इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस वन, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, मतलब ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 1, मतलब ए इज इक्वल्स टू 11। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ये भी सेम चीज़ को करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना होता है। ओके, इतना तो आपको आया। जब आप इसे सी आउट के साथ लिखते हो, आपने लिखा ए प्लस प्लस, तो पहले सी आउट वैल्यू प्रिंट कर देगा 10। पहले ये इस वैल्यू को उठाएगा जो सबसे पहले लिखा हुआ है ना, वो उसको उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा, उसको इंक्रीमेंट नहीं करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे कि मेरे को अब ए की वैल्यू दे दो, तो अब हो जाएगी 11। क्यों? क्योंकि पहले इसने ए को देखा और उसने इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, हमारा 10 प्रिंट हो गया। जब नेक्स्ट लाइन पे आया तो नेक्स्ट लाइन पे आने से पहले ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन वैल्यू तो प्रिंट हो चुकी है, तो वो 11 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, वैल्यू प्रिंट होगी 10। लेकिन जब आपने यहाँ पर ए लिखा है तो तब होगी 11। लेकिन इसका वाइस वर्सा होता है हमारे प्लस प्लस ए में। वो देखता है कि अच्छा पहले तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री ऑपरेटर है, तो पहले उसको इंक्रीज करेगा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, तो वैल्यू कर देगा 11। अब वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे 11। अब आप यहाँ पे अगर ए प्रिंट करोगे तब भी वैल्यू क्या रहेगी? 11। तो फाइनल वैल्यू तो 11 रहेगी, लेकिन ये सी आउट के साथ ये बिहेव डिफरेंटली करता है। अगर पोस्ट ऑपरेटर लगा हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन वो प्रिंट होगा। अब आप इस पॉइंट को बस याद रखना। अब देखो क्या किया गया है। देखो हमने बोला प्लस प्लस एक्स, तो पहले क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। पहले एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी देन प्रिंट होगी, तो ये हो गया 8। उसके बाद ये गैप आएगा, हमने लिखा है एक्स प्लस प्लस, तो अभी भी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 8। क्यों? क्योंकि पहले वैल्यू प्रिंट होगी देन इंक्रीमेंट होगी। ओके, तो ये भी हो गया। अब हमने लिखा वाई माइनस माइनस, तो वाई माइनस माइनस में क्या होगा? पहले वैल्यू प्रिंट होगी, पहले वैल्यू हो जाएगी 3, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जैसे ही यहाँ पे आने से पहले ये अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर लेगा। अब क्या वाई होल्ड कर रहा है? वाई होल्ड कर रहा है 2, वाई होल्ड कर रहा है 2। अब वाई की वैल्यू 2 है, आप इतना याद रखो। अब इसने देखा है तो माइनस माइनस है, मतलब पहले 2 से 1 होगा तब उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। यस, 8 8 एंड 3 1। आई होप दैट इज क्लियर। मैं अगर फिर से समझा देता हूँ। अगर इंक्रीमेंट ऑफ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पहले वैल्यू इंक्रीज होगी देन प्रिंट होगी, तो 7 का हो जाएगा 8। यहाँ पर भी उसने किया, यहाँ पर उसने देखा अच्छा एक्स है तो सिंपली जाएगा 8 प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस वाला अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, पहले इसने 8 प्रिंट किया, फिर अब यहाँ पे आएगा तो देखेगा कि उसके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसको छापने के बाद, इसको प्रिंट करने के बाद तुरंत इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, तभी इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 9। अब यहाँ पे आया वाई, इसने देखा अच्छा वाई लिखा हुआ है और पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, लिखेगा पहले 3, उसके बाद जैसे इसको प्रिंट कर देगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने के बाद आया 2, फिर उसने देखा अच्छा यहाँ पर तो प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले डिक्रीज करना होगा, तो पहले डिक्रीज किया 1, उसके बाद वाई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो फोर्थ क्वेश्चन मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिमेनिंग 2 क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर पाओ। तो इसमें भी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। आई होप गाइज दैट इज़ क्लियर टू यू। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड इफ़ यू आर सीरियसली लाइकिंग अवर कंटेंट, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।